बहुत पिनहेड आने के बाद भी सब मशरूम में तब्दील नहीं होते हैं। आज हम जानेंगे उसका कारण और प्रतिकार उड़ीसा चतुचास चैनल में। ऐसे तो बहुत सारा कारण है, लेकिन सबसे पहला कारण है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अभाव, अगर पिनहेड जब हमारा बड़ा होता है वो टाइम पे उसको मैक्सिमम ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन वही समय में हमने उसको नहीं दिया, बेड को नहीं मिला, फार्म को नहीं मिला, तो आपका पिनहेड जो है वो बड़ा नहीं हो पाएगा। तो पुआल मशरूम की खेती में एक चीज़ हमेशा याद रखिए, पिनहेड आने के बाद उसको मैक्सिमम ऑक्सीजन ज़रूरत है बड़ा होने के लिए। और अगर आपके बेड में बहुत ज़्यादा पिनहेड आया है लेकिन सड़ जाता है, सूख जाता है, ख़राब हो जाता है, बढ़ नहीं पाता है, तो जितना भी कारण है उसमें से पहला कारण क्या है, ऑक्सीजन का आप ख्याल रखिएगा। जैसे आपके फार्मिंग में, आपके फार्म में फ्रेश हवा हमेशा मिलना चाहिए मशरूम के बेड को। दूसरा कारण क्या है, लाइट। हमेशा याद रखिएगा, मशरूम के बेड को जब हमारा पिनहेड आ जाता है बेड में, तब हमको 1000 ग्लॉस लाइट, 1000 ग्लॉस लाइट हमको चाहिए पिनहेड को बड़ा करने के लिए। मतलब आप अगर फार्म में कहीं पे भी खड़े होके किताब पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, उसका मतलब आपका लाइटिंग सिस्टम सही है, आपका लाइटिंग हमेशा 1000 ग्लॉस लाइट मेंटेन हो रहा है आपके फार्म में। अगर जो भी साइड में देखिएगा अंधेरा ज़्यादा रहेगा, वहाँ पे आपका मशरूम बड़ा नहीं हो पाएगा, आपका पिनहेड बड़ा नहीं हो पाएगा। जितना भी पिनहेड आने दो वो आपका मशरूम में तब्दील नहीं होगा। इसलिए 1000 ग्लॉस लाइट हमेशा आपके फार्म में मेंटेन करिएगा। और हमारा थर्ड कारण क्या है, आपका जो पुआल है, आपने जो यूज किया है पुआल, वो लो क्वालिटी का अगर होगा तो उसमें भी जितना भी पिनहेड आपका बेड में आएगा वो सब बड़ा नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमारा जो मशरूम है, जो न्यूट्रिशनल है वैल्यू है, हमारा सबस्ट्रेट मतलब आपके जो पुआल में जो न्यूट्रिशन है उसको खा के वो बड़ा होता है। तो अगर वो ख़राब क्वालिटी का है आपका पुआल, तो उसमें भी हमारा पिनहेड बड़ा नहीं हो सकता है। तो जितना भी कारण है उसमें से एक कारण ये है, आपका जो पुआल है उसको आप अच्छा क्वालिटी के लाइएगा, जिसमें हवा सर्कुलेशन हो सकता है, एयर सर्कुलेशन होने के लिए जगह रहना चाहिए, दबा हुआ नहीं रहना चाहिए आपका पुआल, पकड़ते ही टूटना नहीं चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, उसमें होल होना चाहिए अच्छे से, मतलब क्वालिटी जो है उसका अच्छा होना चाहिए। ये देख के आपको स्टार्ट करना है आपका मशरूम फार्मिंग। अगर अच्छा क्वालिटी का पुआल है तो मशरूम जितना भी उगेगा, आपका पिनहेड जितना भी उगेगा वो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, अगर आपका माइसिलियम ग्रोथ रेट कम हो जाता है बेड में, हमारा चौथा कारण क्या है वो है माइसिलियम ग्रोथ रेट अगर हमारा कम है बेड में, तो भी हमारा पिनहेड जो है वो सब हमारा तब्दील नहीं होता है मशरूम में। मतलब क्या है, सही भाषा में बोले तो ह्यूमिडिटी टेम्परेचर, इसको आपको आपके फार्म में अच्छे से मेंटेन करना है। अगर ह्यूमिडिटी टेम्परेचर सही से मेंटेन नहीं हुआ फार्मिंग में, मशरूम फार्मिंग में, तो आपका पिनहेड जो है जितना भी आए वो रहेगा नहीं आपके बेड में, मतलब पूरा तब्दील नहीं हो सकता मशरूम में, बहुत सारा आपका खराबी होने का चांस है। इसीलिए हमेशा एक ह्यूमिडिटी टेम्परेचर मीटर जो है वो फार्म में लगाइएगा, उसके हिसाब से आपको मेंटेन करना है हमारा फार्म में कितना ह्यूमिडिटी टेम्परेचर रहना चाहिए, और ज़्यादा है कम है उसको हमको मैन्युअली हमको मेंटेन करना है, कम बेसी हमको करना पड़ेगा। तो हमारा जो पिनहेड है उसके लिए हमको एक फेवरेबल एनवायरनमेंट देना है, एक परिवेश देना है जिसमें वो बढ़ सकता है। आपके स्क्रीन में आप देख सकते हैं कितना अच्छा कंडीशन का पुआल मशरूम है, जिसका पिनहेड कितना स्ट्रांग है आप देख सकते हैं, वज़नदार है, स्ट्रांग है, बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है, जो यूज किया गया है आपका जो एनवायरनमेंट है वो सही है उसके लिए। तो ये और एक कारण है। और हमारा नेक्स्ट कारण क्या है, वो है पोर स्ट्रेन। मतलब
जो क्वालिटी आपने यूज किया है स्पॉन, वो अगर अच्छा क्वालिटी का नहीं है, जो बीज जो स्पॉन आपने ख़रीदा है अगर वो अच्छा स्ट्रेन वाला पुआल मशरूम का स्पॉन नहीं है, तो जा उसका मतलब क्या है, जो पीन हेड है बहुत सारा आएगा लेकिन वो सब पीन हेड बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें वो शक्ति नहीं होगा, वो पावर नहीं होगा उसका जो स्ट्रेन में बड़ा होने के लिए। वो पीन हेड तक ही बड़ा हो सकता है, उसके बाद वो मशरूम में तब्दील नहीं होगा क्योंकि वो ख़राब क्वालिटी का स्पॉन है। तो हमेशा फर्स्ट जनरेशन स्पॉन खरीदिएगा जो कि अच्छा स्ट्रेन बना होना चाहिए, अच्छा स्ट्रेन वाला होना चाहिए, जीन वाला होना चाहिए, और वो आपको अच्छा पैदावार भी देगा। आपकी स्क्रीन में आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा क्वालिटी का पीन हेड जो है, स्ट्रॉन्ग पीन हेड है, बड़ा है, जो कि हर मशरूम आपका इसमें आएगा, कोई भी मशरूम ख़राब नहीं होगा, क्योंकि जितना अच्छा क्वालिटी का स्ट्रेन वाला स्पॉन आप यूज कर रहे हैं उतना अच्छा क्वालिटी का आपका पैदावार भी होगा पुआल मशरूम का। आपको पता है पुआल मशरूम का रेट मार्केट में बहुत ही ज़्यादा रेट में बिकता है, सबसे पसंद करने वाला मशरूम है पुआल मशरूम, जो कि मार्केट में हमेशा उसका डिमांड हाई रहता है। इसलिए जितना अच्छा क्वालिटी का मशरूम आपका रहेगा उसका रेट भी ऐसा 400, 500, 600 तक केजी भी बिकता है पुआल मशरूम का केजी। तो ये सब जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया, अगर आपने सही से इसका इस्तेमाल किया, ये सब जो पॉइंट है इसको आपने फार्मिंग में, आपके फार्म में आपने अगर इस्तेमाल किया सही से, तो आपका जितना भी पीन हेड आता है सब पीन हेड बड़ा हो सकता है। जैसे हमने डिस्कस किया ऑक्सीजन का, लाइट का, और आपका जो पुआल है अच्छा क्वालिटी का पुआल हमको यूज करना है, और हमारा ह्यूमिडिटी टेम्परेचर हमको अच्छे से मेंटेन करना है, एंड अच्छा क्वालिटी का हमको बीज या स्पॉन लेके पुआल मशरूम का खेती करना है जिसमें लॉस नहीं होगा और हमारा पूरा पीनेट जो है वो बड़ा हो सकता है, कोई पीनेट हमारा ख़राब नहीं होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके मन में कुछ विचार है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।